नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है कामकाज तुम्हारा? बस थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, लो मिठाई खाओ। नहीं अंकल, आज बुधवार का व्रत है तो आज नहीं खाएंगे। भाई हमने वो नया शुरू किया है, रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं राला मंडल चौराहे पे एक और। अच्छा, तो उस खुशी में था। अभी आज को पास काय का है भाई? आज मतलब बुधवार, तो सोमवार कर रहे थे ना पहले तो? हाँ, पर वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो हमने सोचा किसी, अच्छा किसी ने बताया कि बुधवार करना शुरू, हाँ, कर दो, पहले किसी ने बताया सोमवार कर लो जी। मतलब वार बदलते रहोगे इससे अपने किस्मत या दिन सुधर जाएंगे। नहीं, अब वो लोग बोलते हैं तो कर लेते बेटा। डॉक्टर में और भगवान की आराधना में फर्क करना समझो। जैसे मर्ज सही नहीं होता है, हम डॉक्टर चेंज करते जाते हैं, ऐसे हमारे दिन में फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे अपारे में फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे शांति नहीं आ रही, हम भगवान बदल रहे हैं। खुद को बदलने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, हमारा आचरण नहीं देख रहे हैं, हमारा व्यवहार नहीं देख रहे हैं, हमारे कर्म नहीं देख रहे हैं, भगवान बदल रहे हैं, दोषी भगवान को ठहरा रहे हैं। पहले सोमवार किया फर्क नहीं पड़ा, भगवान दोषी हो गया। मंगलवार किया फर्क नहीं पड़ा, मंगलवार दोषी हो गया। अरे भाई, जिस प्रकार डॉक्टर आपका स्कैन करता है ना, रिपोर्ट देखता है, ब्लड रिपोर्ट करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है, फिर देखता है मर्ज क्या है, ऐसे भगवान की आप भी मशीन लगी हुई है, वो आपका पूरा स्कैन करते हैं कि आपका मिजाज कैसा है, आपका दिल में पाप कितने हैं, आपके कर्म क्या हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। और ये ना जो ये जो व्रत करने की प्रथा, लड्डू चढ़ाने की प्रथा, बाल मुंडवाने की प्रथा, ये भगवान को रिश्वत दे करके कोई नहीं खरीद पाया जो तुम खरीद लोगे। समझ रहे हो ना? सरकारी दफ्तरों में जिस प्रकार जाते हो, रिश्वत देकर काम करवा लेते हो ना, भगवान से नहीं करा पाओगे। अरे उनको समर्पण की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, वो तुम वहां देओगे नहीं। बस तुम्हें प्रथा आ गई है, लोगों ने बिगाड़ दिया, लोगों ने परंपरा चला दी है, तुम भी चले जा रहे हो कि साथ सोमवार कर लो, बुधवार कर लो, गुरुवार, वहां बदलते चले जाओ, तुम्हारी किस्मत ही बदलने वाली। बिल्कुल, आपने जब आप इस तरीके से बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भगवान को मजाक बना कर रख लिया तुम लोगों ने। बिल्कुल, मतलब अब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये भगवान को बदल रहे हो, भगवान को दोष दे रहे हो, दोषी तुम खुद हो। हैं? बिल्कुल इस पर। अरे भाई, तुमने तुम्हारा आचरण बदला, तुम्हारा तुमने व्यवहार बदलने का प्रयास किया, तुमने कभी अपना झागने की कोशिश करी, तुम्हारे कितने पाप भरे हुए हैं, लोगों से झूठ बोल लोगे, माँ बाप से झूठ बोल लोगे, भगवान से कभी लाले लाल झूठ नहीं बोल पाओगे तुम, वो सब जानता है जी। ये तो बिल्कुल, जिस मंदिर जाके माथा टेकते हो ना, वहां जाकर के थोड़ा सा उनका प्रसाद भी लेने की कोशिश किया करो, उसका कुछ बनने का प्रयास भी किया करो, है ना बेटा? जी अंकल, बिल्कुल। जब तक गुरुवाणी को अपने अंतर ध्यान में नहीं उतारोगे, मन में नहीं उतारोगे, कितने वार बदलते रहो, वार बदल जाएंगे, साल कैलेंडर बदल जाएंगे, तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे बेटा।